हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 12 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है? एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर ₹1,000 और सस्ते श्रेणी के टिकट पर ₹600 का लाभ कमाया जा सकता है। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है, तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाभ का अधिकतमीकरण हो, और अधिकतम लाभ कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। थोड़ा तो क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। एक हवाई जहाज में 200 अधिकतम 200 यात्री यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो प्रकार के टिकट है, एक प्रथम श्रेणी के लिए है और एक सस्ते श्रेणी के लिए है। तो जो प्रथम श्रेणी का टिकट है उस पर ₹1,000 का लाभ और सस्ते श्रेणी वाले टिकट पे ₹600 का लाभ कमाया जा सकता है। एयरलाइन वाले इसमें ये निर्धारित कर देते हैं कि कम से कम 20 सीटें आरक्षित हो जाती है किसके लिए, प्रथम श्रेणी की, यानी कि कम से कम 20 सीट ऐसी है जिसपे प्रथम श्रेणी के ही जो टिकट लेंगे वही उस पर बैठेंगे। इससे अधिक भी व्यक्ति हो सकते हैं, 20 से अधिक भी हो सकते हैं, तभी कह रहा है कम से कम 20 सीटें, ठीक है। तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा 4 गुने यात्री, कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट के साथ यात्रा करना चाहते हैं। हमें यहाँ बताना है कि दोनों प्रकार के कितने कितने टिकट एयरलाइन बेचेगा ताकि उसे लाभ अधिकतम होगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना एयरलाइन एक्स टिकट प्रथम श्रेणी के और वाई टिकट सस्ते श्रेणी के बेचता है, ठीक है। ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। अब इसके बाद थोड़ा समझिए, हम लोग यहाँ पे अधिकतम लाभ की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम ऑफ जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे समझ लीजिए। एक्स टिकट प्रथम श्रेणी के बेचे जा रहे हैं और एक टिकट पे ₹1,000 का लाभ होता है, तो ₹1,000 लाभ हो जाएगा, ठीक है। और वाई टिकट जो है सस्ते श्रेणी के बेचे जा रहे हैं और एक पे ₹600 का लाभ होता है, तो 600 वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, टोटल अधिकतम कितने यात्रियों को यात्रा किया जा सकता है, 200 यात्रियों को, यानी कि 200 टिकट है टोटल। तो x प्लस वाई टिकटों का योग अधिकतम कितना है, 200 या 200 से कम भी हो सकता है। ऐसा थोड़ा कि पूरे के पूरे यात्री बैठ ही जाए, पूरी तरह से आपकी सीट भरी जाए, अधिकतम कह रहा है 200 या 200 से कम भी हो सकता है, अधिकतम 200 दिया गया है, ठीक है। फिर आगे इसमें क्या कह रहा है कि एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित कर देते हैं, यानी कि कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के टिकट है, यानी कि कम से कम 20 टिकट जो है प्रथम श्रेणी के, यानी कि एक्स का वैल्यू 20 और 20 से ग्रेटर हो जाएगा, है ना जी। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो प्रथम श्रेणी की अपेक्षा 4 गुने जो है सस्ते श्रेणी के हैं, तो देखिए 4 गुना सस्ते श्रेणी के हैं उससे, तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि वाई की अपेक्षा वाई जो होगा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किससे, एक्स के 4 गुना से। एक्स क्या है, ये आपके क्या कह रहा है, एक्स जो है सस्ते सॉरी एक्स जो है प्रथम श्रेणी के टिकटों की संख्या है और इससे यह 4 गुना है, कम से कम 4 गुना है। तो इसी तरह हमें लिखेंगे, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं वाई माइनस का 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर इसके साथ साथ ऋणोत्तर व्यवरोध भी आएंगे, एक्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा, वाई भी 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि टिकटों की जो संख्या है वह 0 या 0 से अधिक होगी, माइनस में तो नहीं ना होगी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, चलिए बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू में 200, दूसरा x इक्वल टू में 20 और तीसरा यहाँ y माइनस का 4x इक्वल टू 0। अब इसके बाद आगे देखिए, हम लोग इनके लिए यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं ताकि इनके सॉल्यूशन दो दो निकाल पाएंगे, तभी ना हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। चलिए,
ध्यान से देखिएगा। चलिए ये आपका दो चार्ट बना लिया हमने, इसका तो इजी है, ऐसे ही ग्राफ खींच देंगे। चलिए इनके दो दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ये टू वेरिएबल वन है ना, एक्स वाई, एक्स का 0 तो वाई का 200, वाई 0 रखेंगे तो एक्स का 200। यहाँ पे देखिए एक्स वाई, एक्स का हम लोग यहाँ पर मान लो रख देते हैं 50, तो एक्स का 50 रखेंगे तो 50 चौक 200 हो जाएगा ना, उधर जाके प्लस का 200 हो जाएगा। अच्छा, और फिर एक्स का मान लो हम लोग रख देते हैं यहाँ पर 25, तो इसका हो जाएगा आपका 25 नहीं रखेंगे हम लोग, मान लो यहाँ पर रख देते हैं, हाँ 25 रखो ना, कोई बात नहीं, इस तरह मल्टीपल रहेगा तो ठीक रहेगा, 25 रखेंगे। या फिर एक काम करो ना, इसमें हम लोग रख देते हैं मान लो 40, अच्छा चौक 16, 160 हो जाएगा। ठीक है, 20 का ले लेंगे हम लोग ग्राफ में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर ये एक्स, इधर आपका एक्स डैश, वाई, और ये आपका वाई डैश। यहाँ ले लेते हैं, देखो ना 20, 40, 60, 80, 100, फिर 100 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 के बाद 120, 140, 160, 180, 200। यहाँ भी देखो 20, 40, 60, 80, 100, 100 के बाद आपका 120, 140, 160, 180, और यहाँ पर ये 200। 3, 3, 6, 3, 9, 10। ठीक है, चलिए देखिए 0 और 200, दूसरा है 200, 0, ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा यहाँ खींचना चाहोगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसका समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 200 ना, चलिए x प्लस वाई इक्वल टू में 200। दूसरा देखिए x इक्वल टू में 20 था, चलिए x बराबर 20 कहाँ से जाएगा, तो चलिए इसके लिए 20 देखिए, हम लोग ये 20 40 ही ना लेके चले हैं, ये ना हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा x इक्वल टू में 20। अच्छा, तीसरा क्या है यहाँ पर, x 50 y 200, x 50 y 200, x का 50 y का 200। तो देखिए x 50 किधर होगा, 20, ये 40, ये 60, तो यहाँ पे 50 होगा, और 200 y का, तो y का 200 यहाँ पर। ठीक है, चलिए यही ना हो जाएगा इसके बीचों बीच, यहाँ 50 और 200, x का 50 y का 200। फिर उसके बाद है 40 और 160, देखो 40 किधर होगा, तो ये 20 और 20 40, 40 और 160 ये रहा। ठीक है, चलिए ये आपका 40 और 160। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली है, जब आप रेखा खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी, इसी तरह से ना आएगी जी, चलिए जो आपके मूल बिंदु से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, चलिए इसका भी समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, क्या था आपका y माइनस 4x इक्वल टू 0, ये ना था जी y माइनस 4x इक्वल टू में 0। ठीक है, चलिए अब हम हल क्षेत्र का पता करेंगे, 0, 0 पर असमीकाओं को चेक करते हैं। 0, 0 पर असमीकाएं, 0, 0 पर, चलिए तो असमीकाओं को चेक करते हैं, 0, 0 पर असमीकाओं को, पहली वाली ये रही तो, और दूसरी ये है, और तीसरी यहाँ पर ये है। चलिए देखते हैं, तीसरी पे नहीं चेक कर पाएंगे हम लोग, यहाँ लिख देते हैं 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 200। तो क्या 0 < 200 है, 200 से बिल्कुल है, ये सत्य है, सत्य है ना जी, लेस देन ही ना था। अच्छा, एक्स इज ग्रेटर देन 20 और इक्वल टू 20, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होगा, ये आपका असत्य है। तीसरे वाले को ना हम लोग इसको
हम लोग 0-0 पे चेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इस रेखा के इधर का कोई बिंदु या इधर का रेखा पर का बिंदु लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये रेखा पर का ही ना बिंदु है 0-0, तो इसके इधर का कोई भी बिंदु ले लो। आप 200 और 0 लेके देख लो, 200 और 0 पर, 200.0 पर कौन सी असाइनमेंट है ये वाले, तो आपका वाई का 0 और -4 × x का 200 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये माइनस का 800 हो जाएगा, -800 ग्रेटर है 0 से, ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य है। चलिए तो अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो ये x प्लस वाई इक्वल टू में 200 जो है, ये आपका ये वाली जो असत्य क्या हो रही थी इसकी, यह सत्य हो रही है, तो इसके इधर ले लें 0-0 पर सत्य, तो इसके इधर, अच्छा ये वाला असत्य हो रहा है तो इसके बाहर, इसके इधर, इसके बाहर, और ये असत्य हो रहा है इस बिंदु पर, तो इसके अपोजिट में यानी कि इधर का, यानी कि ये वाला क्षेत्र जो होगा हल क्षेत्र हो जाएगा, यही ना क्षेत्र आपका हल क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो अब कोणीय बिंदु की बात करते हैं कि ये हो जाएगा ए, ये बी, ये इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका निर्देशांक हम लोग क्या ले लेंगे, देखो ना एक्स का है 20 और वाई क्या है 180, 20 और 180, समझ गए ना आप, देख लो, नहीं समझ में आया तो इसको और इसको सॉल्व करके देख लो, एक्स का 20 आप इसमें रख दो, एक्स बराबर 20 ही ना है, तो 20 जो है आप इस वाली रेखा में रख दो, तो 20 जाकर दो घंटे 180 ही रहेगा, और ये आपका सी हो जाएगा, तो सी का निर्देशांक यहीं से ऐसे भी दिख रहा है, आप एक्स का 20 आप क्या करो इसमें रख दो तो 80 आ जाएगा, या ऐसे भी दिख रहा है 20, 40, 60, 80, तो 20.80, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र, हल क्षेत्र एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु ए 40.160, बी 20.180 और सी 20.80 है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं इसके अधिकतम लाभ के को ज्ञात करने के लिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग ले लेते हैं कोणीय बिंदु और इसमें ले लेते हैं जो जेड इक्वल में दिया है क्या, 1000x + 600y, ये ना दिया है, देख लीजिए 1000x + 600y। चलिए ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कोणीय बिंदु जो दिए गए हैं यहाँ पे लिख देते हैं, क्या क्या है कोणीय बिंदु, तो है आपका 40, 160, 20, 180 और 20 और 80, ठीक है। चलिए तो 40 और 160 पर देखिए क्या हो जाएगा, 40 रखेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 40 में 1000 से तो 40,000 हो जाएगा, और प्लस का इसमें 160 से, तो 160 से गुना कर देंगे, तो 160 से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 96,000। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 96,000 और 40,000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 136,000 आ जाएगा, 136,000 आ जाएगा। चलिए अब इसको रखते हैं, तो इसको रखेंगे तो यहाँ पे 20,000 और यहाँ पर 108,000 होगा ना, ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 108,000 और 20,000, 128,000, ठीक है। अच्छा इसको रखते हैं तो यहाँ पर 20,000 और 48,000, तो 68,000 हो जाएगा यहाँ पर, तो अधिकतम कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना, मैक्सिमम यहाँ पर हो रहा है एट कितना पर, 40 160 पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः यहाँ लिख सकते हैं कि एयरलाइन 40 टिकट प्रथम श्रेणी के तथा 160 टिकट
सस्ते श्रेणी के बेचेगी तो लाभ अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। और फिर अधिकतम लाभ क्या हो जाएगा, अधिकतम लाभ क्या होगा, तो अधिकतम लाभ यहां हो जाएगा 136,000 रुपए का, 136,000 रुपए का ये अधिकतम लाभ होगा। समझ गए, तो ये इसमें रहने देते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, तो इस एक वीडियो में, इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।